हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में और हमारा आज का टॉपिक है फियर। जो डर गया वो मर गया। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। वी लिव इन अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू कम अक्रॉस एज फियरफुल, वेदर इट्स मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू और ड्यूरिंग योर फर्स्ट डेट। क्या होता है जब हमें डर लगता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब हमको डर लगता है? जब हमको डर लगता है हमारा माउथ जो है काफ़ी ड्राई हो जाता है, प्यास लगती है, बहुत ही ड्राई फील होता है हमारे थ्रोट में। आपने अक्सर देखा होगा कोर्ट रूम में जो अक्यूज होता है वो बार बार पानी मांगता है बिकॉज उसे डर लग रहा है, इसलिए उसका माउथ काफ़ी ड्राई हो जाता है। जब हमें डर लगता है तो हम काफ़ी सारी एनर्जी जनरेट करते हैं जिसकी वजह से हमको गर्मी होने लगती है। उस गर्मी के वजह से हमको होती है बहुत सारी स्वेटिंग एंड आप नोटिस करोगे कि जिसे डर लग रहा है वो बार बार पसीना उसे आए जा रहा है, एसी चालू है लेकिन फिर भी उसे पसीना आ रहा है, बाकी सब नॉर्मल है बट देर इज़ दिस वन पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली स्वेटिंग, चांसेज आर दैट ही इज़ गेटिंग स्केयर्ड। सो वो अपना हैंडकरचीफ निकालेगा और अपना स्वेट पोंछ रहा है। जब हम ब्रेथलेस हो जाते हैं हमें सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आप नोटिस करोगे कि जिसे डर लग रहा है वो शायद एक लंबी सांस लेके बस अपनी एक सांस छोड़ देता है, या तो फिर टाई लूज कर देता है, या तो फिर एक शर्ट की बटन खोल देता है। हम फिजिटिंग करने लगते हैं हमारे कपड़ों के साथ, या तो फिर हमारे बालों के साथ, या आसपास रखी चीज़ों के साथ। हमारे मसल्स जो है काफ़ी टेंस हो जाते हैं, बॉडी हमारी अकड़ जाती है। बॉडी अकड़ने की वजह से हम ऐसे छोटे हो जाते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमें देखे, कोई हमें नोटिस करे, तो हम ऐसे कंस्ट्रिक्ट होके चुपचाप हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर रहे हो आप में ये सब बॉडी लैंग्वेज सिग्नल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो प्लीज़ इसे नोटिस कीजिए, इसे एक्नॉलेज कीजिए और ध्यान रखिए कि आप ये सिग्नल्स ना दो। और अगर ऐसा हो भी रहा है और अगर आपको डर लग रहा है तो जस्ट रिलैक्स, टेक इट ईजी, गिव यूर सेल्फ अ नाइस स्ट्रेच, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऑल द बेस्ट टू यू।